भगवान गौरी पुत्र यानी गणेश जी का सुंदर प्राचीन प्रतिमा है। इतना सुंदर है कि गणपति ये डुंढी राज, इसका नाम है डुंढी राज भगवान। आप ठीक से देखो, भगवान इसका भाई पाव को छुआ का ऊपर रखा है, नीचे छुआ है, देखो छुआ इसका हाथ में लड्डू पकड़ा है, खा रहा है, उसका ऊपर ढुंडीराज गणपति भगवान उसका दाएं पाँव रखा है और लेफ्ट का पाँव यानी भाई पाँव को कमल का ऊपर खड़े हो रखा है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दल का यानी कमल फूल का पीठ है यानी आसन है। और पेट का ऊपर सांप को बांधा है, देखो। और ढाई हाथ को, ये प्रतिमा एक विचित्र प्रतिमा है, सारे प्रतिमा में ढाई हाथ को अभय मुद्रा देता है, इसमें ढाई हाथ को नीचे रख के वर मुद्रा दे रहा है गणपति भगवान। और इसका हाथ में दांत को टूट के महाभारत लिखने के लिए इसका दांत को टूट करके इसका हाथ में रखा है। और ढाई हाथ ऊपर का उसका, उसमें एक परशु पकड़ा है, परशु आयुधम पकड़ा है। और भाई हाथ को हाथ में फिर इसमें दांत पकड़ के गणपति गणेश भगवान इसका हाथ को ऊपर करके अभय मुद्रा दे रहा है लेफ्ट हाथ में। और लेफ्ट हाथ ऊपर में यानी भाई हाथ का ऊपर में अंकुश पकड़ा है। अंकुश बोले तो यानी हाथी को मारने के लिए रखते हैं ना, वही अंकुश है। और ठीक से देखो, जो हाथी का ऊपर उसको कुंभ बोलते, कुंभस्थल, 1, 2, 3 इतना सुंदर कुंभस्थल है कि यानी ताज रखा है। इसका सूंड धाये में रोटेट हो गया, संस्कृत में बोलते हैं बलामुरी गणेश जी, ये बहुत पावरफुल है। ये सूंड लेफ्ट में आए तो ज्यादा शक्ति राइट में होता है बलमुरी गणेश जी। आप सब लोग दर्शन करिएगा। गदा बीजपुरे दर्शूल चक्रे सरोजोत्पले पाशधान्याग्रदंता करे संतदानं श्वशुंडाग्रराजन् मणिकुंभलंकारूढ़ सुपत्या सरोजन्मता भूषणानां भरेण उज्ज्वलदस्ततन्या समालिंगितांगं करीन्द्रननं रक्तकांतिं जगन्मोहनं भजेत्तम् रक्तांबरो रक्ततनो रक्तनान्यानुलेपनः महोदरो गजमुखपाशदन्ताङ्कुशाद्वये बिभ्रद्येयो विघ्नहरः कामदस्वरयाख्ययम् गणानां त्व
दृष्ट्वा गणपतिं हवामहे कविं कावीनामोपवश्रावसम् ज्येष्ठराजं Thank you.